हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अपने आप में एक मीनिंग रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे लिंकिंग, लिंक मीन्स एक लिटरल मीनिंग होता है कनेक्ट करना किसी चीज़ को। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं अपना लेसन। लेसन शुरू करने से पहले हम उसकी एक डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर लिंकिंग वर्ब का डेफिनेशन ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या होता है। लिंकिंग वर्ब होता है एक ऐसा वर्ब जो कनेक्ट करता है, जैसे कि लिंक के नाम से ही समझ में आता है, कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को एडजेक्टिव या नाउन से, नाउन या एडजेक्टिव जो उसको डिस्क्राइब करें या फिर आइडेंटिफाई करें, मतलब या फिर तो उसको एक्सप्लेन करें या फिर उसकी पहचान को बताएं। या फिर आप लिंकिंग वर्ब को बहुत सिंपल शब्दों में कुछ ऐसे भी कह सकते हो, अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद द वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट सच एज कंडीशन और रिलेशनशिप। मतलब एक लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है किसी ऐसे वर्ड से जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, स्पेशली सब्जेक्ट के बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो देता है, और जो वर्ब उसको कनेक्ट करती है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से या फिर सब्जेक्ट को उस कंडीशन से या फिर उस रिलेशनशिप से जहाँ पर उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आप अगर देखें तो द बॉक्स इज़ अ प्रेजेंट। यहाँ पर जो हमारा लिंकिंग वर्ब है वो आइडेंटिफाई कर रहा है बॉक्स को कि बॉक्स आखिर क्या चीज़ है। बॉक्स में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन बॉक्स को प्रेजेंट किया गया है एज अ प्रेजेंट। इट मीन्स द बॉक्स इज़ अ गिफ्ट। यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मिली है और ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट जिस वर्ब से जुड़े हैं उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह है, द बॉक्स स्मेल्स फनी। मतलब यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है जो हमारा नाउन है, जो मेन वर्ब है हमारा बॉक्स, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो कैसा डिस्क्राइब हो रहा है। इट स्मेल्स फनी मीन्स वो फनी है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब स्मेल के थ्रू जोड़ा गया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऑल ओवर डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉक्स कैसा लग रहा है। इट स्मेल्स फनी मतलब वो स्मेल फनी हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो आपको थोड़ा सा हेल्प और कर सकते हैं, जैसे ही इज़ अ मॉन्स्टर। यहाँ पर जो हमारा नाउन है, आप नाउन को देख सकते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, नाउन भी नहीं, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट ही है, ही इज़ अ मॉन्स्टर। यहाँ पर ही को एक आइडेंटिफाई किया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन बताया हुआ है कि ही एक्चुअल में क्या है। नेक्स्ट आप देखिए एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ही लुक्स स्टनिंग। एक जो हमारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ा गया है जो एक एडजेक्टिव है, जिसमें उसकी लुक्स को बताया जा रहा है वो दिख कैसा रहा है। वर्ब हमारा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा इस एम आर को ही यूज़ करें, जो भी वर्ब हमें सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है, उसका डिस्क्रिप्शन बताता है, वो वर्ब हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाता है। कुछ और वर्ब्स हमारे पास हैं जो आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में लिंकिंग वर्ब होती क्या है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिंकिंग वर्ब जो मेन हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं वो क्या होती है, इस एम आर बी बीन बींग सीम बिकेम हैज बीन हैव बीन हैड बीन विल बी शैल बी मे माइट माइट बी
अपीयर सीम ग्रो लुक रिमेन ग्रो बिकम रिमेन साउंड कैन बी वुड हैव बीन। इसके अलावा भी हमारी काफ़ी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमेशा ही एक लिंकिंग वर्ब के तरीके से आती हैं। लिंकिंग वर्ब बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन मेनली ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अक्सर इनका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को लिंक करने के लिए होता है, कभी भी इनका इस्तेमाल किसी एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी बार जब भी हमारे एग्ज़ाम्स में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड यही लिखा हुआ है, साउंड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर एकदम से जो अपना टिक मार्क है वो लिंकिंग वर्ब पर कर देते हैं। लेकिन ये कभी कभी हमारे सामने एज अ एक्शन वर्ब आती है। एक्शन वर्ब कब आती है ये हम लोगों को देखना है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आपको मैं दिखाती हूँ कि कब ये एज अ लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। लिंकिंग वर्ब जब भी हमारा एज एन एक्शन वर्ब यूज होता है तो वो पूरी तरह उसके यूज पर डिपेंड करता है कि हम किसी भी वर्ब को यूज कैसे कर रहे हैं। अगर हम वर्ब को किसी आइडेंटिफिकेशन को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो हमेशा लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन जब भी हमारा जो वर्ब होता है वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसी वर्ड के थ्रू तो वो हमेशा तुरंत एक्शन वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे द डॉग स्मेल बैड, द डॉग स्मेल्ड बैड। यहाँ पर स्मेल्ड जो आया है एज अ वर्ब वो लिंकिंग वर्ब आया है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉग है उसको बताया जा रहा है कि उसे जो स्मेल कर रहा है ही स्मेल्ड बैड। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द डॉग स्मेल्ड मेंस बूट। यहाँ पर जो डॉग है वो एक्शन में है तो जो स्मेल्ड होगा यहाँ पर एज अ एक्शन वर्ब दिखाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सैम अपीयर्ड एट द डोर इन हिज न्यू ड्रेस। सैम अपीयर्ड हुआ है, दैट इज एक्शन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सैम अपीयर्स सैड। सैम बहुत दुखी दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो एज एन एक्शन वर्ब आया है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देख सकते हैं, द बेल साउंडेड फॉर डिनर। देखिए यहाँ जो बेल है बहुत ही आपको ये स्मेल्ड अपीयर सीम्स ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एज एन एक्शन भी लिए जा सकते हैं और एज एन एक्शन भी लिए जा सकते हैं कि हम कब इस चीज़ को स्मेल कर रहे हैं और कब हम इस चीज़ को एक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं कि कब, जैसे कि यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में हमने बताया द डॉग स्मेल्ड मेंस बूट, तो जब उसने मेंस बूट को स्मेल किया तो वो एक्शन में है, लेकिन जब उसने एक बुरा जो स्मेल है वो किया तो वो सिर्फ उसको आइडेंटिफिकेशन बता रहा है कि हाउ ये जो उसे महसूस हो रहा है वो गलत महसूस हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने वही चीज़ दोबारा देखी, सैम अपीयर्ड हुआ है एट द डोर, वो एक न्यू ड्रेस पहनकर आया है तो वो एक एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सेकेंड हमारे एग्जाम्पल में सेंटेंस वही है लेकिन उसका यूज़ अलग हमने कर दिया, जैसे सैम अपीयर्स सैड, मतलब वो दुखी दिखाई दे रहा है। अब हम इसके आगे कुछ भी अपना एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन हमें मिल गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं, द बेल साउंडेड फॉर डिनर। द बेल, यहाँ पर बेल एक्शन का काम कर रही है कि वो डिनर के लिए बजी है, इसलिए द बेल साउंडेड फॉर एक्शन, सो दैट देयर इज एक्शन व्हिच रिप्रेजेंट सम एम सम टारगेट। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी ही साउंड्स टायर्ड, इट मीन्स दैट वर्ब रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड रहेगा ही साउंड्स टायर्ड, इट मीन्स यहाँ पर हमने एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पर हमारा एक लिंकिंग वर्ब होगा। हमेशा सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जितने भी हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं उसमें कभी भी कोई एक्शन रिप्रेजेंट नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब हमेशा जोड़ने का काम करती है और उसमें वर्ब हमेशा वो होता है जिसमें आप
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकें। तो